फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पिता एंड आप सब देख रहे हो मेरा चैनल मदरहुड विद शनाया। तो आज मैं आई हूं आप लोगों को बताने, प्रेगनेंसी से एक छोटी सी टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है आप सबके लिए जो कि प्रेग्नेंट है और जो होने का सोच रही है। पहले से ही जान लीजिए ताकि क्या पता आपको कब काम आ जाए या फिर आप भी किसी की हेल्प कर पाए अगर आपको पहले से पता हो। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान लेफ्ट साइड सोना कितना सही है और कितना गलत। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है लेफ्ट साइड सोना, क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, मैंने इस स्टेप को फॉलो किया तो मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चीज़, जैसे हम डॉक्टर सजेस्ट करते हैं लेफ्ट साइड सोने की, लेफ्ट साइड सोने से होता क्या है, सबसे पहले चीज़ आपका खाना डाइजेस्ट बहुत अच्छे से होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर बहुत अच्छे से होता तो खाना ऑटोमेटिकली आपका डाइजेस्ट बहुत अच्छे से होगा और खाना डाइजेस्ट होने के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं सताएगी। इन जनरल 95% वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स हो जाता है, इसका सबसे पहला कारण कॉन्स्टिपेशन है। और कॉन्स्टिपेशन होने का सबसे पहले कारण है खाना ठीक से डाइजेस्ट अगर नहीं होता है तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये बहुत ही आम बात है, हम सबको पता है, लेकिन इसे किस तरीके से क्योर किया जाए, इसे किस तरीके से कंट्रोल में रखा जाए, मेरी बात मैं आपको बताऊं तो मेरे डॉक्टर ने जिस तरीके से मुझे बताया था मैंने पूरे उस ट्रिक को फॉलो किया और मुझे बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं सताई प्रेगनेंसी के दौरान। इनफैक्ट मेरा जो मेरे को पहले से पाइल्स है बट अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें फॉलो की, वो लेफ्ट साइड फॉलो किया और खाने के बाद हर बार मैं थोड़ा सा अजवाइन लेती थी। इससे क्या होता है, जो हार्ट बर्न जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। आप खाने के 15 से 20 मिनट बाद, जैसे कि आप प्रेग्नेंट हैं तो उससे मैं आप सजेस्ट करूंगी आधा घंटा 40 मिनट बाद नहीं, 15 से 20 मिनट बाद आप सो सकते हो। लेकिन सोने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सोने के लिए आपको मिनिमम आधा घंटा या फिर 20 से आधा घंटा आप लेफ्ट साइड मेंटेन कीजिए। लेफ्ट साइड सो के आप देखिए आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता होगा और जिसके कारण आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो भी बहुत अच्छे से तेजी से काम करने से लगेगा और आपके खाने डाइजेस्ट हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप लेफ्ट साइड मेंटेन कीजिए। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है लेफ्ट साइड सोने में, तो कोई बात नहीं है, मैं उनसे सजेस्ट करूंगी कि आप 10 से 15 मिनट मेंटेन कीजिए लेफ्ट साइड पहले के टाइम, मतलब खाने से पहले, खाने के बाद जब आप सोने की तैयारी कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड मेंटेन आप 10 से 15 मिनट कीजिए, बहुत है आपके लिए अगर आप नहीं मेंटेन कर पा रहे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी लेफ्ट साइड मेंटेन कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि मुझे भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो मैंने सोचा चलिए किसी और की भी हेल्प करती हूँ, किसी और लेडीज की हेल्प करती हूँ, शायद उन्हें भी ये बेनिफिट मिल जाए, उनको नहीं पता हो और वो भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रही हो, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम से जूझे हैं, उन्होंने मुझसे मेरे साथ डिस्कस किए हैं उन लोगों ने कि उनको भी प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स हो गया है, अच्छे से नींद नहीं ले पाने के कारण, अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं होने के कारण। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी लेफ्ट साइड ज़रूर मेंटेन कीजिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बस 10 से 15 मिनट कीजिए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आधा घंटा तक लेफ्ट साइड मेंटेन कीजिए। इवन आप प्रेगनेंसी के बाद यानी पोस्ट डिलीवरी भी इसे मेंटेन कर सकती है, बहुत अच्छा नुस्खा है खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए और स्पेशली जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए। तो चलिए इसे इधर ही एंड करते हैं, आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा और प्लीज़ इसे सारी लेडीज़ के साथ शेयर कीजिए। इस वक्त मैं आपको बोलूँगी कि सारे लेडीज़ के साथ, क्योंकि ये सब लेडीज़ के लिए, सब ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि लेफ्ट साइड सोना बहुत अच्छा होता है। तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए।